गुज़िश्ता कई बरसों से दुबई की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पाकिस्तान के यौमे आज़ादी के मौके पर पाकिस्तानी परचम में रंग जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तानी परचम कैसे बनाया जाता है और इस पर कितनी लागत आती है? तो चलिए आपको बताते हैं। बुर्ज खलीफा दुनिया की मकबूल तरीन इमारतों में से एक है, जिसकी ऊंचाई 828 मीटर है, जिसकी वजह से उसको दुनिया की सबसे ऊंची फलक बोस इमारत समझा जाता है। ये इमारत दुबई मुत्तहिदा अरब अमीरात में वाक़ है और दुबई के जदीद फन तामीर की अलामत के तौर पर काफी मशहूर है। बुर्ज खलीफा को इश्तहारात के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जो दुनिया में सबसे बड़े इश्तहारात की जगह समझा जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि इस फलक बोस इमारत पर आपका इश्तहार भी आवेजा हो, तो उसके लिए आपको इमार प्रॉपर्टीज की इजाजत लेना होगी, क्योंकि वो इस इमारत के मालकान हैं। मालकान की रजामंदी के बगैर आप दुनिया की बुलंद तरीन इमारत पर अपना इश्तहार नहीं दिखा सकते, चाहे आप उसके लिए जितनी भी रकम अदा कर चुके हों। अगर इश्तहारात लगाने के पैसों की बात करें, तो बुर्ज खलीफा पर इश्तहार चलाने की लागत वक्त और स्लॉट पर मुनहसर है। 3 मिनट के इश्तहार के लिए 57 लाख रुपए से ज्यादा अदा करना पड़ सकते हैं। लागत का इन्हिसार हफ्ते के उस दिन भी होता है, जिसे आप अपना इश्तहार चलाने के लिए मुंतखब करेंगे। अगर आप हफ्ते के दिन अपना इश्तहार दिखाने का इरादा करते हैं, तो रकम 79 लाख रुपए हो सकती है। और अगर आपका इश्तहार हफ्ते के आखिर में शाम 7 बजे के बाद चलता है, तो उस पर आपको इजाफी लागत आएगी और ये रकम 2.2 करोड़ रुपए तक जा सकती है। बुर्ज खलीफा के इश्तहारात का इंतजाम दुबई में वाके एक क्रिएटिव एजेंसी मुलिन लो मीना के जिम्मे है। बुर्ज खलीफा पर अपना इश्तहार देने के लिए तमाम कागजी कार्रवाई पूरी होनी चाहिए और इसके अलावा आपके पास अच्छा बजट होना भी जरूरी है। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए vnews.com।